जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम पार्ट टू, नाव एवं धारा का भाग दो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने कई टॉपिक देख लिया था, जैसे अप स्ट्रीम क्या होता है, मतलब धारा की विपरीत चाल क्या होती है, या धारा के दिशा में चाल क्या होती है। फिर इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लिया था, ठीक है, और शांत जल में किसी नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग ये इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे आज एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होती है नाव की धारा के विपरीत या धारा के साथ, ठीक है। दोनों समझेंगे और बात करते हैं इसी के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। बहुत सारे केस हैं जो आपको नाव में, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कह लीजिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज ऑफ स्पीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बेहतरीन बनते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एवरेज स्पीड को बोलते हैं औसत चाल, औसत चाल का क्या मीनिंग क्या है सर? औसत, ध्यान समझिएगा, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी आपने अलग अलग स्पीड या अलग अलग आयाम के हिसाब से तय की है। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, मोटर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने पहले 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल चली है, फिर बाकी के 4 किलोमीटर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, और अंतिम के 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये जो 10, 20 और 40 था, यही आपका क्या है, अलग अलग दूरी में अलग अलग चाल है। तो अब इन सब को हम जोड़ के ये बताएंगे कि इस 10 किलोमीटर जो आपने दूरी तय की है अलग अलग चाल से, इसकी औसत चाल क्या रही। तो अगर हम ध्यान दें, मान लीजिए आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, मतलब ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर है, मैं कह सकता हूँ अगर 10 किलोमीटर है, आपने पहले 2 किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाई, उसके बाद सेकंड में आपने 4 किलोमीटर दूरी तय की, यह आपका 4 किलोमीटर है, यह आपका 2 किलोमीटर है, और यहाँ पे आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैंने कहा ये जो अंतिम 4 किलोमीटर था, इस 4 किलोमीटर में आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाई, ठीक है। तो अब बता दीजिए कि औसत चाल क्या होगी। ये आपको मैं समझा रहा हूँ औसत चाल या एवरेज स्पीड। बात को समझिएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि दूरी भले ही आपने कितनी भी तय की हो, लेकिन टोटल दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, और इस टोटल दूरी को तय करने में आपने अपनी स्पीड को तीन तरह से बदला है। तो ये तीन तरह जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात को समझिएगा, 1, 2, 3, और इन सब को जोड़ दीजिए। मतलब अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ, 10 + 20 + 30, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये टोटल जो स्पीड होने वाली है वो होने वाली है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 3, ठीक है। अगर मैं इसको AS लिख दूं, एवरेज स्पीड बराबर, तो यहाँ से अगर हम 3 से 60 को भाग देंगे तो मुझे लगता है 20 का पहाड़ा में फिट हो जाएगा। तो 20 तें 60, तो हमें यहाँ से मिलने वाला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हुई होगी आपको इसको समझने में। ध्यान दीजिए, तो जो गाड़ी चली है उसकी औसत चाल रही है
20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भी चलता तो इसने जो 10, 20 और 30 किया है उतना ही समय लगता। सर ये उतना ही समय का क्या गेम है अब समझिएगा। मान लीजिए उसको 10 किलोमीटर जाने में लगता है आधा घंटा, कितना? आधा घंटा या 30 मिनट कह लेते हैं, 30 मिनट। और उसकी चाल रही है पहले के दो किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उसके बाद अगले 4 किलोमीटर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और अगले 4 किलोमीटर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो अब उसको इतनी दूरी तय करने में 10 किलोमीटर में 30 मिनट लगा, 30 मिनट का समय लगा। अब बात समझिए, अगर वो इन सभी स्पीडों से ना चल करके इन सभी को हटा दें और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 10 किलोमीटर ए से बी जाने में है, तो 10 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चले तो वो 30 मिनट में पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये था, बात समझ रहे हैं? तो ये थी एवरेज स्पीड, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा एक उदाहरण या एग्जाम्पल ले लिया है। अब बात करते हैं नाव और धारा की। तो नाव एवं धारा में अगर आप जब भी चलना चाहेंगे तो इसमें अप एंड डाउन होता है, मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत एवं धारा की दिशा में। तो इन दोनों को मतलब इसमें कहने का ये है, बात समझिएगा ध्यान से, ये तो हमें पता चला कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो स्पीड एक बंदे ने ली थी उसकी अलग अलग स्पीड रही अलग अलग दूरी के लिए। लेकिन अगर जो नाव है, मान लीजिए ये आपकी कोई एक नाव है और इसमें कोई एक इंसान बैठ के क्या बढ़िया से चप्पू चलाया जा रहा है और ये इधर जा रही है नाव। अब ये है धारा की दिशा, ये क्या है? डाउन स्ट्रीम, बात समझिएगा, डाउन स्ट्रीम है। और इधर से है अप स्ट्रीम, क्या है ये? धारा के विपरीत दिशा को हम क्या कहते हैं बेटा? अप स्ट्रीम। तो ये आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आएगा तो आपको एवरेज स्पीड समझ में नहीं आएगी, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब मान लीजिए ये किसी पॉइंट ए से चला था और ये इसको बी तक जाना था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसी एक पॉइंट ए से चला था और किसी एक पॉइंट बी तक जाना था, एक बिंदु ए था कोई एक बिंदु बी था। अब यहाँ से यहाँ तक इसने जाने में जो दूरी तय की, मान लेता हूँ मैं स्मॉल डी थी, कितनी थी? स्मॉल डी, मतलब ए से बी तक जाने की कितनी दूरी है? कितनी दूरी है भैया? छोटा डी, ठीक है, छोटा चेतन वाला नहीं, छोटा डी, छोटा चेतन, ठीक है। अब इसने इधर से तय किया तो कितना दूरी तय किया? डी। और बी से ए आएगा तो भी कितनी दूरी तय करेगा? डी। तो अब समझिए, तो जो हम लोग नाव के लिए एवरेज स्पीड या औसत चाल निकालते हैं वो क्या होती है? देखिए, कभी भी आप चाल जहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? औसत। इसके आगे क्या लग गया? औसत। पहले तो चाल थी तो दूरी बटा समय, तो अब क्या लग गया? औसत चाल। तो समय तो नहीं कम हो सकता या बढ़ सकता, समय तो नहीं बदल सकता है, लेकिन औसत हो गया तो दूरी बढ़ेगी या दूरी कम होगी। बात को समझिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? औसत चाल नाव की बात कर रहे हैं। तो हम धारा की दिशा में जाएंगे और धारा की अब विपरीत दिशा में जाएंगे, तो दोनों एक बार जाएंगे एक बार आएंगे, बात समझिएगा। औसत चाल नाव में कैसे निकलती है? एक बार जाएंगे और एक बार कंप्लीट वापस आएंगे, मतलब हम जहां से गए थे वहीं हमें वापस आना है, बात को समझिए। तो हम लिखेंगे औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी। वाह सर क्या बात है, तो हम लिखेंगे यहां पे औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी, दूरी नहीं केवल, कुल दूरी बटा कुल समय, या समय कह ली, कुल समय लिख लेता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा, कुल समय, बात को समझिएगा। अब कुल दूरी का मतलब एक बार गया तो एक बार आया, तो टोटल दूरी अपनी कितनी हो जाएगी बेटा बताइए? 2D, कितना हो जाएगा?
2D और कुल समय एक बार मान लीजिए स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, तो मैं स्मॉल टी को हटा के डायरेक्ट कैपिटल टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो औसत चाल या एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 2D बाई टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बात को समझे, बात को समझे, ये आपका औसत चाल का क्या है, फॉर्मूला है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब मान लीजिए मैं इस पर एक प्रश्न करवाता हूँ, मान लीजिए मैं इस पर एक प्रश्न करवाता हूँ तो कैसे होगा प्रश्न, ध्यान से समझिए। अच्छा थोड़ी चीज़ें और हैं, समझ लेते हैं उसके बाद प्रश्न करते हैं। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बात समझ रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड के कुछ और एक दो पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट या कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसकी नोट्स बना रहे हो कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं सो प्लीज़ स्टार्ट राइट नाउ, यही समय है, यही समय है, पढ़ लो, यही समय है, पढ़ लो। अगर समय निकल गया ना तो पछताना होता है, क्या कहते हैं, अब पछताए का होत जब चुड़िया चुग गई खेत, बात समझ रहे हो ना। तो वही बात हो जाती, देखो हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड बराबर 2D बाई टी। अब बात समझिएगा, मैं लिखता हूँ 2D बाई टी बराबर बराबर अपस्ट्रीम रेट या स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अपस्ट्रीम रेट बोलो या स्पीड बोलो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अपस्ट्रीम रेट, उसके बाद मल्टीप्लाई डाउनस्ट्रीम रेट। अच्छा सर ये डाउन और अप क्या है, मैंने कितनी बार बोला है, अप का मतलब होता है धारा के विपरीत और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में, बोलो। तो बेहतरीन ढंग से पढ़िए और मज़े से यार, इतना आनंद लेके पढ़ना है, मैथमेटिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और क्या लिखना है, और क्या लिखना है, नाव की चाल शांत जल में, तो स्पीड ऑफ या रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वाह सर क्या बात है, ये क्या है सर, बताता हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपको प्रश्न में, अगर ये प्रश्न की कंडीशन है, अगर आपको प्रश्न में अप स्ट्रीम दिया हो, मतलब धारा की चाल दी हो, धारा की विपरीत चाल दी हो, धारा की दिशा में चाल दी हो, और किसी नाव की शांत जल में चाल दी हो, बात समझ रहे हैं, तब आप इसके बराबर रखेंगे, और यहाँ से इन सब से, और टी या डी दिया हो आपको, समय दे दे और डी पूछ ले, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं, या आपको डी दे दे तो आप समय आसानी से निकाल लेंगे, या टी दे दे तो आपको क्या, डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगा, बात को समझिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बात समझ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, अगर आप कहें तो मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, बात समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार मार्क करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसमें ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इतना हो गया कहानी, इस पे एक प्रश्न करते हैं और इसी फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से लगाएंगे। एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अगर आप बोले तो मैं समझा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बस छोटा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अगर यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो मैंने बताया है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर, ये तो मैंने बताया है भाई, बिल्कुल सर ये आपने बताया है। उसके बाद इफ
स्ट्रीम रेट इज इफ स्ट्रीम रेट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आर। ये भी पता है सर, ये भी आपने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना तो जाके देखो, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है भाई। अगर आप छोड़ रहे हैं ना, स्किप कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्किप की तो जीवन से आपके बोट एंड स्टीम स्किप हो जाएगा। और अगर इससे एक क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में भाई साहब, बात समझ रहे हैं, तो बहुत कष्ट होगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और मज़े से पढ़िए। तो मैं एक फॉर्मूला बताऊँगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2dxt। सर ये क्या है, क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। यहां से अब देखो, आपके पास कुछ ना हो ठीक है। अब आपको मान लीजिए स्टीम रेट दिया है और बोट की स्पीड दी है कहां, स्टील वाटर में। अब आपको ना तो पता है अप स्ट्रीम ना डाउन स्ट्रीम, ध्यान से देखो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और है। ना तो इसमें क्या पता है, अप स्ट्रीम पता है ना डाउन स्ट्रीम पता है। उसने बोल दिया स्ट्रीम रेट, केवल बोल दिया क्या y की वैल्यू दे दी, और देखो एक्स वाई, और क्या बोल दिया फाइंड द एवरेज स्पीड। और उसमें देखो एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए था, अरे भाई अभी तो लिखे थे ना एवरेज स्पीड बराबर 2d/t। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, एक्स वाई, और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है। इसको खोल दो अगर आपके पास वैल्यू मिलती है तो, नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। वैल्यू वैसे इसकी अगर ये दोनों दिए हैं तो यहाँ पे पुट करोगे, टाइम दिया है तो डी फट से निकल जाएगा, और जैसे ही डी निकलेगा आप उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ये कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। पहला वाला कंडीशन मैंने बता दिया जिसमें आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पता रहेगा और बोट की स्पीड एक्स पता रहेगी स्टील वाटर में, समझ आ गई। लेकिन इसमें अगर आप मान लीजिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया स्टीम रेट इज वाई किलोमीटर पर आर, तब कैसे करोगे भैया, तब आपको ये फॉर्मूला काम देगा, तब ये भैया जी की याद आएगी, समझ रहे हो ना। तो भैया जी नंबर टू, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो, एटलीस्ट 3 मार्क स्टार मार्क इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब करेंगे एक प्रश्न, बेहतरीन सा प्रश्न होगा जो आपको हिला देगा अंदर तक ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मजा आएगा। चलिए प्रश्न हिंदी में लिखूं, चल जाएगा क्वेश्चन हिंदी में चल जाएगा, मुझे तो लगता है कि चल जाना चाहिए भाई। अगर आप लोग को समझ आ रही हैं दोनों भाषाएं तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए बात को समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि कोई नाव शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो एवं धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो औसत चाल क्या होगी जबकि कुल दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा हो। अब बताइए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने का कोशिश करिए, क्या दिया है क्या पूछा है आपको सब समझ में आ जाएगा।
बात समझ रहे हैं? तो चलिए ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बेसिक सी बात है, ठीक है? तो हल या सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गिवन डेटा, है ना, दिया क्या दिया है, है ना? तो गिवन डेटा में सबसे पहले देखो, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये क्या है आपका, एक्स है। तो एक्स बराबर दिया है आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आर, ओके। नाउ धारा की चाल, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये नहीं बताया है कि धारा के विपरीत जा रहे हैं या धारा के साथ जा रहे हैं या धारा की दिशा में जा रहे हैं, उसने केवल इतना बोला धारा की चाल और कुछ नहीं बोला है। तो अगर इस तरह से बोल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे वाह सर, क्या बात है। फिर उसने बोला औसत चाल क्या होगी, तो एवरेज स्पीड भैया निकालना है हमको, ए एस निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है। कुल दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा हो, तो मतलब जो लगा समय है, समय टाइम टी कैपिटल टी उसने दिया है कितना, 1 घंटा, 1 आवर। तब बता दीजिए कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया था तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, डेटा निकाल दिया। अब एक बार और ट्राई कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से, क्योंकि एग्जाम आपको देना है मुझे नहीं, ठीक है? तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा, फिर भी अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या था, याद करिएगा, तो फॉर्मूला था अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे था बराबर 2dx डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, कब परफेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, शायद मैंने वैल्यू में कुछ गड़बड़ की है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे लिखने में, भूल हो गई, कुछ नहीं याद, ये 6 था या ये 5 था, मैंने बदल दिया, सॉरी फॉर दैट, आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है, वो मेरी गलती थी, सुधार लिया मैंने। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे देखा ना तो याद आया कि अच्छा यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 5, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जहाँ पे जब भी मैं पढ़ाता हूँ इसको मैं पढ़ाता हूँ, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है? 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × d × 6/1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना, 36, तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट निकल रहा है, इसका कितना हो जाएगा 25 बराबर 12d। आपको d चाहिए ना, आपको d चाहिए ना भाई, तो यहाँ से d निकालिए। तो अब देखो इसको माइनस करोगे यहाँ से, तो 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, मिल गया कितना 11, और बराबर हो जाएगा 12d। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको d मिल जाएगा 11/12। वाह क्या बात है, ये क्या है, डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, किलोमीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर से भी कम है। ध्यान दीजिए, अगर नीचे 11 होता या ऊपर 12 होता तो d कितना आ जाता, 1 किलोमीटर, लेकिन देखो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो गारंटी से 1 किलोमीटर से कम है। तो अगर 1 किलोमीटर से कम है तो फिर समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए इतना तक तो हो गया होगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है? चलो बेहतरीन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, आपका मतलब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग, बोलना है, मतलब बोलना ज़रूरी है क्या, मुझे नहीं लगता यार, बार बार बोलना अच्छी बात है। तो एवरेज स्पीड की जो एवरेज स्पीड का जो पहला वाला फॉर्मूला मैंने बताया था 2d/t, क्या होता है 2d/t, ध्यान दीजिए। तो अब देखो टी की वैल्यू आपको पता है, डी आपके पास आ गया है, अब निकाल लो, और कुछ चाहिए क्या। तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर 2 × 11/12/1, ध्यान दो, तो यहाँ से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 है, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 11/6 किलोमीटर, अब नीचे ये टाइम था ना, टाइम, तो किलोमीटर प्रति
घंटा, चूंकि एक क्या है, घंटा है, तो इसको मिनट में नहीं चेंज किया हम लोगों ने, आर में ही रहने दिया, चूंकि उसने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि आप जो है औसत चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में बताएं। अगर नहीं पूछा है तो आपको केवल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाएगा, और आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, तो 11/6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नया टॉपिक, सॉरी नया केस है। अब हम लोग केस के बारे में बात करेंगे, टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं या केस कह लीजिए, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इरेज कर दूँ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, फीलिंग मतलब ऐसे, देखो रट्टा मार के नहीं जीना है ज़िंदगी में। ठीक है, जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, एक बार पढ़ लिया जीवन में फिर दोबारा उस चीज़ पर डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कई लोग सोच रहे हो कि सर पढ़ा इंग्लिश में रहे कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा। भाई साहब इंग्लिश चल रही है ना, तो हिंदी चल रही है ना तो इंग्लिश चल रही। अच्छा, मैंने ये बताया होगा धारा के विपरीत चाल क्या होती है, धारा के दिशा में चाल क्या होती है, दोनों टॉपिक हो चुके हैं, तो इसको रिमूव करता हूँ मैं, उसके बाद आगे पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द क्या है, दूरी ज्ञात करना जब धारा के विपरीत एवं धारा की दिशा में दिशा का समय ज्ञात हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं बोल देता हूँ केस फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें हम केवल केस और केस की बात करेंगे। ठीक है, तो केस केस में समझते जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन सेपरेट टाइम फॉर, दोनों लिखूंगा मैं, फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन में ये लाइन लिख के आएगी, डिस्टेंस व्हेन सेपरेट क्या है, सेपरेट टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इज नोन। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज नोन, KNOWN। हिंदी में समझते हैं, हिंदी में ज्यादा समझ में आता है। दूरी ज्ञात करना टॉपिक मिटा दूंगा मैं चूंकि ज्यादा जगह लेगा, जब धारा के विपरीत एवं धारा की दिशा में दिशा का समय ज्ञात हो। इसके कहने का मतलब ये है कि हम दूरी तब ज्ञात करेंगे, मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें केवल और केवल आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्या समय केवल आपको दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, सेपरेटली बोल दिया गया कि अपस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, और तब बता दीजिए कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। बात को समझिएगा, तब वो पूछेगा कि आप ये बता दीजिए कि नाव ने कितना दूरी तय की। बात समझ रहे हैं, तो चलिए इसको नोट करिए और उसके बाद इसमें समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस अपस्ट्रीम, आपको समय दिया रहेगा और अपस्ट्रीम टाइम या स्पीड दी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है अपस्ट्रीम की दूरी, फिर डाउन स्ट्रीम की दूरी, फिर दोनों को जोड़ देना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए, हाँ, या अलग अलग भी पूछ सकता है कि भैया डिस्टेंस बता दीजिए, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस या डाउन स्ट्रीम की। तो सबसे पहले मैं इसको जो है लिखता हूँ, डिस्टेंस अपस्ट्रीम, फॉर्मूला डायरेक्ट
चूंकि ये केस है या ट्रिक कह लीजिए एक तरह का, डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। तो देखो, कभी भी मैंने क्या बताया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो इसके इससे साथ स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम बराबर स्पीड या रेट अपस्ट्रीम, रेट ऑफ अपस्ट्रीम, ओके, एंड टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। टाइम ऑफ हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान मत होएं, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में लगा समय, सीधी सी बात है। तो ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस मतलब धारा के विपरीत उसने कितनी दूरी तय की। अगर आपको धारा के विपरीत चाल पता है और कितना समय लगा है ये पता है, तो आप सीधी सी बात है कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो धारा के विपरीत दूरी, धारा के विपरीत तय दूरी बराबर धारा के विपरीत चाल गुड़े धारा के विपरीत समय, धारा के विपरीत समय। परेशान ना हो, इस पे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया धारा के विपरीत, बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे चुटकियों में मिलेंगे और समझ नहीं आएगा कि यार पूछा क्या है। इतना बेहतरीन तरीके से फॉर्म करते हैं ना क्वेश्चन को कि आप समझ नहीं पाओगे कि यार दिया क्या है, पूछा क्या है, क्या नौटंकी चल रही है। लेकिन जब आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को तो यही है। देखो, अगर जब भी समय, दूरी और चाल तीनों का खेला आए तो आप समझ जाइएगा कि किन्हीं दो को दे के तीसरा पूछेगा और इन किन्हीं दो में खेला कर देता है, गेम कर देता है। अगर डिस्टेंस और टाइम में कुछ ना कुछ गेम कर देगा, या इसके इसके साथ कुछ ना कुछ कर देगा, या स्पीड और डिस्टेंस के साथ कुछ ना कुछ कर देगा, तो ठीक है, इसमें से तीन में से कोई एक पूछा जा सकता है दो को दे करके, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो क्वेश्चन हर तरह के अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अनुभव है आपके पास, तो आप आसानी से एग्जाम में इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला फॉर्मूला जो है, इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, ये तो अपस्ट्रीम का हो गया मान लीजिए, तो जहाँ जहाँ पे अपस्ट्रीम है वहाँ वहाँ डाउनस्ट्रीम कर दीजिए, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है आप लोग को बहुत ही आनंद आ रहा है। सब्जेक्ट ही या टॉपिक ही कह लीजिए, बहुत ही प्यारा है ये वाला, है ना, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल। तो चलिए, सबसे पहले डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, दूसरा वाला डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रेट ऑफ डाउनस्ट्रीम सेम वही लिखने वाला हूं मैं, इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में लिखने का प्रयास करूं तो यहां पे हो जाएगा धारा की दिशा में तय दूरी या दूरी, जो भी लिखना है, और उसके बाद धारा की दिशा में चाल इनटू धारा की दिशा में समय, अच्छा, इसका सर शॉर्ट फॉर्म इतना बड़ा लिख दिए हैं आप, इसका क्या होगा। तो देखो, इसको आप लिख सकते हो कैपिटल डी डाउन डाउन, मतलब डी डी, ठीक है,
डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो कैपिटल डी डाउन, तो एक डी लगा लो आराम से, ठीक है, कैपिटल डी डाउनस्ट्रीम बराबर रेट ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, बात समझिएगा, और इनटू टी, ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, डी यू, डी यू बराबर ध्यान से देखो रेट ऑफ अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा इनटू टी हो जाएगा, बात खत्म। तो ये छोटा सा फार्मूला आप याद रखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं भी याद है तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो इन सब छोटू लोग को याद रखिएगा, स्मॉल कहते हैं ना ये सब, स्मॉल है तो स्मॉल मिलाते मिलाते क्या हो जाएगा एक दिन बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा खेला, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चलिए बेहतरीन, मजा आ रहा है, ये केस फर्स्ट था हमारा जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आपको धारा की दिशा में या धारा के विपरीत चाल या और समय दिया गया हो तो आप दूरी आराम से निकाल लेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, अच्छा प्रश्न कुछ इस तरह से आएंगे कि मैंने बताया ना तीन में से कोई दो को देके तीसरा पूछ लिया जाएगा, तो सर दिखाइए क्वेश्चन फिर, तो लीजिए देखिए फिर, ये रहा आपका प्रश्न, प्रश्न है यदि कोई नाव धारा की दिशा में, प्रश्न है आपका हिंदी में ही लिख रहा हूँ मैं, यदि कोई नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितने से चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, चल रही है, यहां बिंदी नहीं होगी, नहीं कई लोग, चल रही है, हाँ ठीक है, एवं धारा की चाल धारा की चाल कितनी भैया 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है इस अवस्था में, अच्छा इस अवस्था में, अवस्था में नाव 2 घंटा तक चल रही, वाह क्या बात है, नाव 2 घंटे तक क्या रही, चलती रही 2 घंटे तक चलती रही या चली 2 घंटे तक चली, अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहे हैं, तब नाव द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, वाह सर क्या बात है, तब नाव द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करिए, चलिए करते हैं, सबसे पहले आप लोग करिए, ठीक है, मुझे लगता है बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझिए उसके बाद फिर करते हैं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं समझता हूँ कि क्या करना है। क्या बोल रहा है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में भैया नाव की चाल बताओ, नाव की चाल मैं दी गई वैल्यू निकाल रहा हूँ, दिया गया या गिवन डेटा, तो नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या नाव की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं एक्स से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं धारा की चाल, ठीक है भैया धारा की चाल बराबर वाई बराबर कितना 7, इजी क्वेश्चन है जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने उठाया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ नाव की चाल क्या होगी धारा की दिशा में, तो अब बताओ धारा की दिशा के लिए एक कंडीशन हम लोग मानते थे, एक केस हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर
एक्स प्लस वाई, ये 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 चीज़ आपको दे करके ना वो बर्बाद कर दिया है। जिस दिन आपने इसको एक्स प्लस वाई बराबर पाँच मान लिया, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। इसको अगर आपने एक्स प्लस वाई बराबर माना तो बर्बाद हो जाओगे भाई। यदि कोई ना धारा की दिशा में चल रही तो चलने दो, लेकिन ध्यान दो धारा की चाल भी दी गई है। अगर धारा की दिशा में वो चल रही 5 किलोमीटर से, तो धारा की चाल 7 किलोमीटर है, तो x प्लस वाई निकालना पड़ेगा आपको बिल्कुल। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, x कितना है 5 है और y कितना है 7 है, तो 7 5 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई बात कुछ? अब समझ में आया सर, अरे वाह ये बात थी, हाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल लो, अब निकाल लो। तो उसने बोला इस अवस्था में, कहाँ है इस अवस्था में, नाव 2 घंटे तक चली। देखो समय भी दिया है, तो t बराबर उसने किया कितना दिया है 2 घंटा, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ क्या नहीं पता यार, क्या नहीं पता आपको, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल लो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू समय। अरे बोलो, तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये किसकी है, किसकी है, धारा, धारा की दिशा में। तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लगने वाला है बताइए, यहाँ से लगेगा डाउनस्ट्रीम का फार्मूला। मतलब आप लगाएंगे डी डी बराबर क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई याद आया कुछ, गुणे दो। अरे अभी अभी फार्मूला लिख के आए हैं भाई, बोलो। तो इसी को यहाँ पे रख दो इस फॉर्मूले में, या समय यहाँ पे कर देता हूँ टी, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 12 है, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा या पर आर कह सकते हैं, और समय क्या दिया है 2 आर 2 घंटे 2 आर, तो आर से आर उड़ा देंगे यूनिट, और 2 × 12 हो जाएगा 12 का पहाड़ा अगर आपको आता हो तो, 12 × होता है क्या 2 = 24, तो 24 किलोमीटर। अगर वो इस अवस्था में चलती रही तो अगले 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 24 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं, देखो ये फॉर्मूला लगा, समझ में आया था बेसिक से। लेकिन अगर समझ नहीं पा रहे हैं आप, इस पॉइंट से आपको 2 चीज़ें मिली, क्या मिली, एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि यार x प्लस वाई बराबर 5 होगा या x प्लस वाई बराबर 7 + 5 = 12 होगा, पहला कन्फ्यूजन। दूसरा क्या था, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी कि धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा बोल दिया तो आपको कैपिटल डी 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 लगाना पड़ेगा और x प्लस वाई इंटू टी करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से 2 क्ल्यू मिला, एक तो कन्फ्यूजन था जो हमने क्या यही खत्म कर दिया कि x प्लस वाई निकालना है कि x, अगर आप यही x माइनस वाई कर दिए होते या x प्लस वाई बराबर 5 कर दिए होते तो यहाँ पे आंसर नहीं आता, और एक आंसर ऐसा होता जो आपको क्या मिलता बताओ, 5 × 10 और आपको बता देता कितना 10 किलोमीटर, और ये ऑप्शन में पहला ही रहता है, गलत वाला हमेशा पहला ही ऑप्शन रहता है, बात समझ रहे हैं। तो आप पहला वाला, अगर आपको एग्ज़ाम में आपका गलत आ गया और वो आंसर दिख गया आपके कहाँ ऑप्शन में, तो आप दूसरा आंसर देखने की जहमत भी नहीं उठाओगे और उसी को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने इसको टिक किया तो बर्बाद होके आओगे, एक नंबर तो गंवाओगे ही गंवाओगे, साथ में 0.25 और जाएगा, बात समझ रहे हो। तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक केस और है इसको पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा केस है ये, बात समझ आया। इतना प्यारा क्वेश्चन था यार, आप लोग मतलब कमेंट नहीं करते हो, ये नहीं बताते हो कि सर अच्छा लगा बुरा लगा, सर समझ नहीं आया या कुछ और, है ना, वो हार्ट वाला जो इमोजी होता है वही भेज दिया करो यार, थोड़ा अच्छा लग जाएगा हमको, बात समझ रहे हैं आप लोग, बताइए। चलिए एक केस और है, ठीक है, एक केस और है। अब इसमें बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, अरे वाह सर, नाव की चाल शांत जल में, ये क्या है सर, समझते हैं अभी समझ में आएगा। केस नंबर दो क्या है, बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो लिखना है लिख लीजिए, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। अरे बोलो भाई, तो इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें
तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालोगे बताओ, सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम तब निकाल तब जरूर इसकी तरह इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है ठीक है इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब शांत जल में नाव की चाल दी ही ना हो। मतलब आपको x नहीं पता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँ कि x नहीं पता, x क्या है, नहीं पता है, सीधी सी कंडीशन यही है, x आपको नहीं पता है, x इज अननोन। अगर आपको x नहीं पता है तब आप बताओ कैसे करोगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिया रहेगा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। मतलब आप समझिए क्या दिया है, आपको दिया रहेगा डाउन स्ट्रीम स्पीड या डाउन स्ट्रीम रेट दिया रहेगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम रेट आपको पता रहेगा। ठीक है, एंड अप स्ट्रीम रेट, ये दोनों आपको क्या रहेंगे, पता रहेंगे। सर ये इसके पता होने से हम क्या कर लेंगे, ये दोनों आपको क्या रहेंगे बताइए, क्या रहेंगे, नोन रहेंगे, इज नोन, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, धारा की दिशा में एवं धारा के विपरीत चाल पता रहेगी। धारा की दिशा में मैं लिख देता हूं एवं धारा के विपरीत विपरीत चाल पता रहेगी। चाल ज्ञात ज्ञात हो या ज्ञात है, बात समझ रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता रहेंगी। तब आप x निकालोगे, कैसे सर, देखो ऐसे कैसे इसको निपटा दें उसके बाद बताते हैं। बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो भूल जाएंगे कि भैया अब क्या करें, हमें तो x पता ही नहीं है। तो x जब ना पता हो तो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, हमें निकाल लिखना है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर बराबर एक बटा दो। सर ये क्या है, एक बटा दो इंटू सम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रेट। वाह सर क्या बात है, हमें डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, दोनों को जोड़ देंगे, आधे से गुणा कर देंगे, आपको क्या एक्स मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर हो जाएगा एक बटा दो योग, क्या बोलते हैं उसको, धारा की दिशा एवं धारा के विपरीत चाल का योग। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर आपको पता है तो आप गेम कर जाओगे, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। ठीक है, तो बात को समझिएगा। तो अब बताओ धारा के दिशा में एवं धारा के विपरीत, अब इसमें मैं x प्लस वाई x माइनस वाई नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि हमें x ही फाइंड आउट करना है।
बात समझ रहे, वो डायरेक्ट आपको देगा वैल्यू, तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा। तो एक प्रश्न करते हैं उसके बाद समझते हैं कि सर कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको मैं अगर इरेज करना चाहूँ, एक दो प्रश्न हिंदी में हो गए हैं, एक प्रश्न मैं हिंदी में सॉरी इंग्लिश में करवा देता हूँ, ताकि इंग्लिश वालों को भी सांत्वना रहे, थोड़ा उनके मन को शांति मिले। ठीक है कि सर हमारे वाले भी मतलब देख लिया करो सर हमारा लैंग्वेज भी। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, इसी पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, अ मैन कैन स्विम, अ मैन क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम, स्विम मतलब तैरना, तैर रहा है, डाउन स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आर। उसके बाद दिया है एंड अपस्ट्रीम एट 2 किलोमीटर पर आर। फाइंड मेंस रेट, जरूरी नहीं है कि आपसे नाउ ही लिख के दे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, रेट इन स्टिल वाटर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ करंट, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, स्पीड ऑफ करंट। सर ये क्या करंट क्या लिख के दे देता है, सर कुछ समझ नहीं आता, बता दो सर। इधर देखो, उसने बोला एक कोई इंसान है जो तैर रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा किससे जा रहा है। अगर धारा के विपरीत तैरना शुरू करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो उस आदमी की शांत जल में चाल बता दो, मतलब एक्स निकाल के दे दो हमें, और करंट स्पीड क्या है, तुरंत जो अभी चल रहा है उसकी स्पीड क्या है। तो देखो दोनों एक ही चीज़ें हैं, अभी आ जाएगा मन, तो हमें मिल जाएगा एक्स बराबर हाफ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमें कितना दिया है, 8 किलोमीटर पर आर, तो यहाँ से हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आर इंटू 2 किलोमीटर पर आर, सम होता है, ऐड होता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आर, इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर हाफ इंटू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आर, और 2 से 10 काटा जा सकता है, तो 2 2 5 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी शांत जल में जो चाल होगी, या करंट स्पीड कह सकते हैं, उसने शांत में पूछा है ना, तो वही चीज़ें हैं दोनों, करंट या शांत, यही है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रगण के साथ। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करें कि सर मज़ा आ गया। ठीक है, अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विद दैट टॉपिक, ओके। और अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना है जो स्पेसिफिकली आपको समझ नहीं आता है, तो उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आपकी समस्याओं का समाधान आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।